प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, राजसमंद उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजना गेज परिवर्तन की आधारशिला रखी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं उदयपुर से शामलाजी, बर बिलाड़ा जोधपुर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, इससे विकास को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 4 राजमार्ग परियोजनाओं जिनकी लागत 4,000 करोड़ रुपए की है, इनमें मेवाड़ से मारवाड़ और जोधपुर से जयपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी। वहीं 3 रेल विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही क्षेत्र के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामलाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इससे शामलाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और सुनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्री नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया की रेलवे लाइन मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ेगी। इससे मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी, और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। शुरू में और ज्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा और ज्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ, एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है,
वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, इसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम के नहीं है। विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो।